नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट बी है वेव अपने पास में चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कल की क्लास में जो हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा उसी पर बेस्ड अपने पास में कुछ और न्यूमेरिकल हैं, उनको आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन जो है कि लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सही है। तो अपने पास में जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक तनी हुई डोरी समीकरण, तनी हुई डोरी के लिए समीकरण दे रखा है के अनुरूप कंपन करती है, जहां अपने पास में एक्स और वाई जो है सेंटीमीटर में है और टी अपने पास में सेकेंड में है, तो क्रमांगत निष्पन्दों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। दो क्रमांगत अपने पास में निष्पन्द है, नोड है, उन नोड के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सही है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में दो क्रमागत निष्पन्दों के बीच की दूरी, दो क्रमागत निष्पन्दों के बीच की दूरी ये अपने पास में होती है लेमडा बाई टू। दो क्रमागत निष्पन्द होते हैं उनके बीच की दूरी अपने पास में लेमडा बाई टू होती है। इस वाले समीकरण से अपन लेमडा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये जो अपने पास में समीकरण है ये अपने पास में अपरिमेय के लिए समीकरण है। इस समीकरण में जो अपने पास में एक्स के मल्टीपल में होगा वो अपने पास में के होगा, जो टी के मल्टीपल में होगा वो अपने पास में क्या होगा, ओमेगा होगा। सही है। तो इसमें अपने पास में एक्स के मल्टीपल में क्या है, एक्स के मल्टीपल में अपने पास में है के, तो यहाँ पर के का मान अपने पास कितना है, के बराबर है अपने पास में 2π/3। के का मान कितना है, 2π/3 है। इसके अलावा यहाँ से इसको सोल्व करें, के बराबर अपने पास में फिक्स होता है, के बराबर अपने पास में होता है 2π/λ इक्वल टू ये अपने पास में है 2π/3। 2π से 2π कटेगा, लेमडा इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लेमडा बराबर अपने पास में यहाँ से आएगा 3। लेमडा का मान 3 आ गया। निष्पन्दों के बीच की दूरी याद करनी है, लेमडा का मान 3 है, उठा के यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास में 3/2, तो निष्पन्दों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 3/2, इसका मतलब कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। तो निष्पन्दों के बीच की दूरी अपने पास में आ गई 1.5 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है 1.5 सेंटीमीटर, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगला एग्जांपल नंबर 2, इसमें अपने को दिया गया है कि एक अपरगामी तरंग में निष्पन्द पर, एक कोई अपरगामी तरंग है उसमें अपने पास में निष्पन्द बोले तो नोड पर, यह अपने पास में कोई अपरगामी तरंग है, इस अपरगामी तरंग में अपने पास में निष्पन्द पर, निष्पन्द यानी कि यह वाला पॉइंट नोड, ये होते हैं निष्पन्द। अपरगामी तरंग में निष्पन्द पर अपने पास में दाब और घनत्व का मान तो उच्च होगा और ऊर्जा का मान अपने पास में क्या होगा, न्यूनतम होगा। सही है। निष्पन्द पर अपरगामी तरंग में जो निष्पन्द है उन निष्पन्द पर अपने पास में दाब और घनत्व का मान तो क्या होता है, अधिक होता है और ऊर्जा का मान कम होता है। कौन से ऑप्शन में है, दाब और घनत्व में परिवर्तन अधिकतम और ऊर्जा का मान न्यूनतम, ऐसा पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें अपने पास में दाब और अपने पास में घनत्व इनका मान होता है अधिकतम और अपने पास में जो ऊर्जा होता है ऊर्जा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। सही है। तो ये अपने पास में दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। सही है। तो अब दोनों को क्या करूँ, नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि एक ही पदार्थ के बने हुए 4 तारों की लंबाइयाँ और व्यास समान है, ये 100 नैनोमीटर पर कसे हुए हैं, यदि इनके तनाव का अनुपात 1:4:9:16 हो तो मूल आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। 100 नैनोमीटर की बात कर रहा है, 100 नैनोमीटर के अपने पास में आवृत्ति n बराबर होता है 1/2L रूट का अपने पास में T/ρ π/r² ये फॉर्मूला होता है 100 नैनोमीटर की आवृत्ति के लिए। सही है। तो पहले केस में क्या दे रखा है, 4 तारों की बात कर रही है जिनकी लंबाइया L का मान और उनका व्यास यानी व्यास समान तो त्रिज्या भी समान यानी कि L और R का मान सेम है, रो और पाई अपने पास में कांस्टेंट है। सही है। समान पदार्थ के बने हुए हैं, इनके तनावों का अनुपात अपने को टी का मान दे रखा है, टी का मान अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है 1:4:9:16, तो आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात करना। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो आवृत्ति होगी वो अपने पास में समानुपाती होगा रूट का टी के। सही है। यहाँ से रिलेशन क्या रहा है कि जो आवृत्ति n है वो समानुपाती है रूट टी के। सही है। तो पहली वाली आवृत्ति n1
एन वन अपने पास में होगी समानुपाती रूट का टी वन, सही है। टी वन का मान अपने पास में कितना है, यहाँ से एन वन बराबर टी वन, पहले वाले के लिए तनाव एक, एक दे रखा है अनुपात में, तो ये अपने पास में रूट का एक, तो यहाँ से एन वन का मान कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया एक, पहले वाले की आवृत्ति एक। दूसरे वाले की आवृत्ति एन टू, एन टू बराबर अपने पास में होगा रूट का टी टू, सही है। तो यहाँ से अपने पास में एन टू बराबर रूट का टी टू का मान कौन सा है, ये है चार, सही है। ये इसके तनाव का अनुपात है एक अनुपात चार, तो ये चार बराबर, यहाँ से अपने पास में एन टू, एन टू बराबर कितना देगा चार का रूट कितना होगा दो, ये एन टू का मान आ गया दो, सही है। उसी प्रकार से आवृत्ति एन थ्री, एन थ्री अपने पास में होगी टी थ्री, तो यहाँ से अपने पास में एन थ्री बराबर तनाव, तनाव टी थ्री, तनाव का मान कितना है नो है यहाँ पे, तो टी थ्री का मान है नो, तो यहाँ से अपने पास में आ गया एन थ्री बराबर नो का रूट कितना हो गया तीन, सही है। वैसे ही अपने पास में एन फोर, एन फोर बराबर ये अपने पास में रूट का टी फोर, टी फोर तनाव चौथा तनाव कितना है, ये है सोलह, तो यहाँ से अपने पास में एन फोर बराबर रूट का सोलह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सोल्व करेंगे तो एन फोर बराबर अपने पास में सोलह करोड़ कितना हो जाएगा चार, सही है। तो आवृत्तियों का अनुपात एन वन अनुपात एन टू अनुपात एन थ्री अनुपात एन फोर बराबर कितना होगा एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार, एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। फॉर्मूले का यूज करके निकाल देंगे। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर चार, समान आयाम की तीन ध्वनि तरंगे की आवृत्ति अपने को दे रखी है, एम्पलीट्यूड तीनों का सेम है, आवृत्ति अलग अलग है, तीनों आवृत्ति अपने को दे रखी है, अध्यारोपण से विस्पंद उत्पन्न होते हैं, तो प्रति सेकंड उत्पन्न विस्पंदों की संख्या ज्ञात करनी है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, इनके अध्यारोपण से अपने पास में विस्पंद उत्पन्न होंगे, विस्पंदों के लिए अपने पास में विस्पंदों की संख्या ज्ञात करनी है, विस्पंदों की संख्या एन बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है एन वन माइनस एन टू, ये होता है अपने पास, तो यहाँ से देखना अपने पास में विस्पंदों की संख्या इन दोनों के लिए, पहले अपने पास में कौन कौन सी आवृत्तियाँ है, आवृत्तियाँ अपने पास में है पहली और दूसरी, पहली और दूसरी आवृत्ति के लिए अपने पास में देखना विस्पंद कितना होगा, विस्पंद एन बराबर ये अपने पास में बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, इन दोनों में से बड़ा अपने पास में ये है, सही है, एन माइनस वन, एन माइनस वन, सही है। इसमें से अपने को बड़ा अपने पास में एन है, बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे, बड़ा अपने पास में एन है, इसमें से माइनस कर देंगे एन माइनस वन, तो यहाँ से एन बराबर कितना आ जाएगा, एन माइनस एन प्लस वन, एन से एन कटेगा तो ये हो जाएगा एन बराबर एक, सही है। इन दोनों ध्वनि तरंगों के मध्य अपने पास में विस्पंदों की संख्या होगी एक, सही है। अभी अपने पास में दोनों आवृत्तियाँ हैं, आवृत्ति कौन कौन सी, एन बराबर अपने पास में आवृत्ति अपने पास में है एन और एन प्लस एक, सही है। तो एन प्लस एक माइनस का एन, इनके मध्य विस्पंदों की संख्या, ये अपने पास में एन बराबर, इससे ये कटेगा, इधर बचेगा एक, सही है। इन दोनों आवृत्तियों के कारण विस्पंदों की संख्या एक, इन दोनों आवृत्तियों के कारण विस्पंदों की संख्या एक, तो कुल विस्पंदों की संख्या कितनी होगी अपने पास में, दो गई, तो विस्पंदों की संख्या, नंबर ऑफ बीट्स, विस्पंदों की संख्या कितनी होगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो कितनी होगी दो, विस्पंदों की संख्या होगी दो, दो कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, सही है। पहले इन दोनों के लिए निकाल लेंगे विस्पंदों की संख्या एक, फिर इन दोनों के कारण विस्पंदों की संख्या एक, टोटल विस्पंद कितने हो गए दो, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है। तो दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर पाँच, इसमें अपने को दिया गया है कि 256 हर्ट्ज ज्ञात आवृत्ति का एक सवृत्र एक पियानो के साथ कंपित तार, पियानो के कंपित तार के साथ प्रति सेकंड पाँच विस्पंद उत्पन्न करता है, यदि पियानो के तार में तनाव बढ़ा दिया जाए तो विस्पंद आवृत्ति घटकर दो विस्पंद प्रति सेकंड हो जाती है, तो तनाव बढ़ाने से पहले पियानो के तार की आवृत्ति क्या थी, सही है। तो देखना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपने पास में क्या तरीका होगा, अपने को जो दिया गया है, क्या दिया गया अपने को, ज्ञात आवृत्ति सवृत्र, ज्ञात सवृत्र है उसकी आवृत्ति अपने को दी गई है, यह अपने पास में है ज्ञात सवृत्र, यह अपने पास में है ज्ञात सवृत्र, ज्ञात सवृत्र की आवृत्ति अपने को दी गई है 256 हर्ट्ज, सही है। जो ज्ञात सवृत्र है 256 आवृत्ति का, ज्ञात सौ ज्ञात 256 ज्ञात आवृत्ति का एक सवृत्र पियानो के साथ कंपित हो रहा है, तो पियानो का अपने पास में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होगी, पियानो की आवृत्ति अपने पास में पियानो के साथ
पियानो के कंपित तार के साथ प्रति सेकंड 5 विस्फोट उत्पन्न करता है। तो पियानो की आवृत्ति अपने पास में या तो इससे 5 ज़्यादा 256 प्लस 5 हर्ज, या अपने पास में पियानो की आवृत्ति इससे 5 कम 256 माइनस का 5 हर्ट्ज। सही है, यह अपने पास में कोई ज्ञात आवृत्ति का स्वरित्र है। यह किसी पियानो के साथ 5 विस्फोट प्रति सेकंड उत्पन्न कर रहा है, तो जो पियानो की आवृत्ति होगी वो या तो इससे 5 ज़्यादा होगी या इससे 5 कम होगी। सही है, आगे बोल रहा है यदि पियानो के तार में तनाव बढ़ा दिया जाता है, यह है पियानो का तार, यह अपने पास में है पियानो का तार, 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 जो पियानो का तार है उसमें तनाव बढ़ा दिया जाता है, तनाव बढ़ाने पर आवृत्ति बढ़ेगी, तो इसकी आवृत्ति यह है, तो इसकी आवृत्ति अपने पास में बढ़ेगी, इसकी आवृत्ति अपने पास में यहाँ पहुँच जाएगी। सही है, और इस वाले की आवृत्ति भी अपने पास में बढ़ेगी, ये अपने पास में मान लेते हैं यहाँ पहुँच जाएगी। सही है, ये आवृत्ति यहाँ पहुँचने पर इन दोनों के बीच का एक गेप है, यह पहले 5 विस्फोट था, प्रति 5 विस्फोट उत्पन्न कर रहा था, अब इसकी आवृत्ति गेप बढ़ गया, 5 से ज़्यादा हो गया इसका गेप। सही है, इस वाले में गेप पहले 5 था, अब 5 से कम हो गया। सही है, अब ये बोल रहा है कि तनाव थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है तो विस्पंद की आवृत्ति घटकर 2 विस्पंद प्रति सेकंड हो जाती है। विस्पंद की आवृत्ति कौन से में घट रही है, इस नीचे वाले में घट रही है, पहले इनके गैप 5 का था, अब गैप बढ़ गया, इनमें गैप पहले 5 का था, अब गैप कम हो गया। सही है, नीचे वाले में गैप कम हुआ है, तो नीचे वाला जो है अपने पास में घटकर 2 विस्पंद उत्पन्न करेगा, ये वाला नीचे वाला, तो अपने पास में जो है कि पियानो के तार की आवृत्ति क्या होगी, ये होगी 256 माइनस का 5, 256 माइनस का 5 कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में। सही है, इस वाले पे केस लगा के देखेंगे, पहले इनके बीच का गैप था 5 का, सही है, 5 का गैप था इनके बीच, अब जैसे ही इसका तनाव बढ़ाएंगे तो इसका गैप बढ़ जाएगा, इस वाले में क्या होगा, गैप 5 से ज़्यादा हो जाएगा। सही है, इसमें ये गैप 5 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला जो गैप है इन दोनों के बीच का, ये क्या हो जाएगा, अब 5 से कम हो जाएगा, 5 से कम होने का मतलब है कि 2 हो जाएगा, 2 विस्फोट उत्पन्न करेगा, तो आवृत्ति अपने पास में होगी 256 माइनस का 5, चौथे ऑप्शन में। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6, 2 सिरों पर किसी एल लंबाई की तनी हुई किसी डोरी में उत्पन्न अपरगामी तरंग की तरंग धीरे ज्ञात करो। सही है, अपने पास में 2 सिरों हैं, 2 सिरों पर तो ही अपने पास में यह अपरगामी तरंग, 2 सिरों पर किसी एल लंबाई की, ये एल लंबाई की है, एल लंबाई की तनी हुई किसी डोरी में उत्पन्न अपरगामी तरंग, ये अपरगामी तरंग ऐसी होगी, ये होगी अपरगामी तरंग, अपरगामी तरंग की तरंग धीरे क्या होगी। सही है, तरंग धीरे अपने पास में क्या होगी इसकी, लेमडा बाई 2। सही है, अगर अपने पास में एक अपरगामी तरंग बन रही है तो तरंग धीरे लेमडा बाई 2, अगर 2 अपरगामी तरंग बन रही है तो तरंग धीरे अपने पास में 2 लेमडा बाई 2, अगर 3 अपरगामी तरंग बन रही है तो तरंग धीरे अपने पास में 3 लेमडा बाई 2। सही है, तो इसको ऐसे लिख दिया एन लेमडा बाई 2। सही है, एक के लिए अपने पास में लेमडा बाई 2, अगर 2 तरंगें बन रही है तो 2 लेमडा बाई 2, 3 तरंगें बन रही है तो 3 लेमडा बाई 2, 4 तरंगें बन रही है तो 4 लेमडा बाई 2। सही है, तो अपने पास में यहाँ से इसके लिए अपने को क्या ज्ञात करनी है, तरंग धीरे ज्ञात करनी है। सही है, तो ये जो अपने पास में है 2, ये अपने पास में 2 नोड हो गई, 2 निष्पंदों के बीच की दूरी एन लेमडा बाई 2 है, यह अपने पास में है एन लेमडा बाई 2, ये बराबर किसके हैं, इसकी लेंथ के है, इसकी लेंथ एल के है। सही है, अब यहाँ से अपने को लेमडा याद करना है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 2 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2L, और ये एन है, एन इसके बटा में आ जाएगा, तो अपने पास में इसके लिए तरंग धीरे होगा 2L अपॉन एन, 2L अपॉन एन कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये एन की पूछ रहा है, तो एन के लिए आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, 2 निष्पंदों के बीच की दूरी अपने पास में क्या होगी, लेमडा बाई 2, तो ये अपने पास में एक अपरगामी तरंग बनेगी, अगर ऐसे अपने पास में 2 अपरगामी तरंग बने, ये अपने पास में एल लेंथ की है, इसमें अगर 2 अपरगामी तरंग बन रही है, ऐसे बन रही है, तो अब की बात तरंग धीरे क्या होगी, ये लेमडा बाई 2, और ये वाली भी कितनी होगी, लेमडा बाई 2, तो ये कितनी होगी, 2 लेमडा बाई 2। सही है, यहाँ पे एन बराबर 2 रख दो, तो अपने पास में लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 हो गया, ये हो गया अपने पास में लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, लेमडा हो गया, यहाँ पे 2 रखते हैं, इसका मान 2 से 2 कटेगा, लेमडा जाएगा, अगर 3 अपरगामी तरंग बन रही है तो ये हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, 4 अपरगामी तरंग बन रही है तो 4 लेमडा बाई 2, तो अपने को एन के लिए पूछ रहा है, तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन लेमडा बाई 2
बराबर होगा इसकी लेंथ के, यहाँ से बराबर के लैम्डा का मान निकाल देंगे 2L/L, तीसरे ऑप्शन में सही है। तो दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एन आवृत्ति की दो तरंगे एक दूसरे की ओर 16 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, दो क्रमांकित निष्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। दो क्रमांकित निष्पंदों के बीच की दूरी अपने पास में क्या होगी, दो क्रमांकित निष्पंदों के बीच की दूरी, निष्पंदों के बीच की दूरी ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है λ/2। सही है, इसमें अपन लैम्डा का मान याद कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं लैम्डा का मान, तो अपने पास में दूरी आ जाएगी। तो लैम्डा बराबर अपने पास में कितना होता है, v बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है n लैम्डा। सही है, तो लैम्डा बराबर अपने पास में कितना हो गया, वी अपोन एन, लैम्डा का मान हो गया वी अपोन एन। क्वेश्चन में वी का मान दे रखा है, वी का मान अपने पास में है 16 मीटर पर सेकंड, ये रहा वी का मान, तो यहाँ से वी का मान 16 मीटर पर सेकंड बटा एन बराबर अपने पास में लैम्डा, लैम्डा का मान आ गया अपने पास में 16/n। उठा के रख देते हैं लैम्डा का मान, दूरी आ जाएगी अपने पास में बराबर, लैम्डा का मान अपने पास में है 16/n और इसके बटा में अपने पास में 2। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, ये कटेगा 2 से, ये 8/n। तो निष्पंदों के बीच की दूरी अपने पास में होगी 8/n। कौन से ऑप्शन में है 8/n, 8/n है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, दो निष्पंदों के बीच की दूरी अपने पास में λ/2 होती है। इस फॉर्मूले से लैम्डा का मान निकाल लेंगे, लैम्डा का मान निकाल के इसमें रख देंगे, सोल्व करेंगे तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक द्विभुज सवृत्र 888 हर्ट्ज आवृत्ति के एक सवृत्र के साथ 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अज्ञात सवृत्र पर थोड़ा सा मोम लगाने पर 2 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अज्ञात सवृत्र की आवृत्ति होगी। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में एक सवृत्र दिया गया है, उस सवृत्र की आवृत्ति अपने पास में है 288 हर्ट्ज। सही है, एक द्विभुज सवृत्र 288 हर्ट्ज आवृत्ति के एक सवृत्र के साथ, ये अपने पास में है द्विभुज सवृत्र, ये अपने पास में 288 आवृत्ति के एक सवृत्र के साथ 4 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। 4 विस्पंद उत्पन्न करता है तो उसका मान अपने पास में याद, तो इससे 4 ज़्यादा, इसमें 4 ज़्यादा हो जाएगी तो 292 हर्ट्ज, या फिर इससे 4 कम, 4 कम यानी कि यहाँ 284 हर्ट्ज। सही है, या तो इसका मान अपने पास में से 4 ज़्यादा, या इसका मान अपने पास में से 4 कम। सही है, अज्ञात सवृत्र पर थोड़ा सा मोम लगाने पर, जो अपने पास में अज्ञात सवृत्र है उस पर थोड़ा सा मोम लगाने पर यह 2 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है, तो अज्ञात सवृत्र की आवृत्ति क्या होगी। सही है, यह अपने पास में है अज्ञात सवृत्र, इस अज्ञात सवृत्र पर थोड़ा सा मोम लगा देते हैं, यह है अज्ञात सवृत्र, अज्ञात एक द्विभुज 288 आवृत्ति के सवृत्र के साथ गति कर रहा है, यह अपने पास में है अज्ञात सवृत्र, यह भी अपने पास में है अज्ञात सवृत्र, अज्ञात सवृत्र। अब अज्ञात सवृत्र उस पर थोड़ा सा मोम लगा दिया, मोम लगाने पर आवृत्ति का मान कम होता है, तो इसकी आवृत्ति अपने पास में कम हो जाएगी, 292 से कुछ कम हो जाएगी, 284 है, इसकी आवृत्ति भी अपने पास में मोम लगाने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, तो देखना, मोम लगाने पर 2 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है, तो इस वाले केस में क्या हो गया, पहले कितना कर रहा था, 4 कर रहा था, अब ये कम हो गया दूरी, ये अपने पास में 4 से क्या हो गया, कम हो गया। सही है, इस वाले केस में अपने पास में इन दोनों के बीच में पहले 4 था, अब ये क्या हो गया, ये बढ़ गया दोनों के बीच का, तो वैल्यू 4 से क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया। सही है, ऊपर वाले में 4 से कम हुआ है, इसका मतलब अपने पास में कितने विस्पंद उत्पन्न करेगा, 292 विस्पंद, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 292 कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन। सही है, जो अपने को ज्ञात सवृत्र दे रखा था उसकी आवृत्ति अपने पास में 288, अज्ञात सवृत्र जो है इसके साथ 4 विस्पंद उत्पन्न कर रहा है, तो अज्ञात सवृत्र की आवृत्ति या तो इससे 4 ज़्यादा होगी या इससे 4 कम होगी। सही है, अब इन दोनों में से चेक करना कि कौन सी होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, तो ये जो अपने पास में अज्ञात सवृत्र है उस पर मोम लगा दिया, मोम लगाने पर इसकी आवृत्ति कम होगी, 292 थी, अब 292 से कम होगी, इस पर मोम लगाने से भी इसकी आवृत्ति अब क्या होगी, कम होगी, तो इसकी पहले 284 थी, अब या तो 281 होगी, 282 होगी,
तो ये अपने पास में पहले चार थी, अब गैप बढ़ गया, चार से ज़्यादा हो गया गैप, और इसमें अपने पास में पहले गैप चार था, अब गैप चार से कम हो गया, गैप क्या हो गया, चार से कम हो गया। तो ये वाला वीडियो अपने पास में करेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, दो व्युत्पन्न प्रति सेकंड उत्पन्न करने लगता है, तो गैप यहाँ कम हो गया, तो ये अपने पास में हो गया ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस वाले में व्युत्पन्नों की संख्या बढ़ी है, इस वाले में व्युत्पन्नों की संख्या कम हुई है, तो ये क्या बोल रहा है, पहले चार कर रहा था अब दो कर रहा है, यानी व्युत्पन्नों की संख्या कम होगी, कम होगी, तो ये वाला ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो गया, सही है। तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर नौ, इसमें अपने को दिया गया है कि आवर्ती एन वन और एन टू के दो सवृत्र एन व्युत्पन्न प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं, यदि अपने को एन टू व एन का मान ज्ञात हो तो एन वन का मान क्या होगा, तो एन वन का मान अपने पास में क्या होगा, एन वन जो है वो अपने पास में बराबर होगा एन टू प्लस माइनस एन के, सही है। एन वन का मान जो होगा वो एन टू से या तो प्लस एन या एन टू से क्या होगा माइनस एन, सही है। एन अपने पास में क्या है, यहाँ व्युत्पन्नों की संख्या है, ऐसा कौन से ऑप्शन में है, एन वन बराबर होगा एन टू प्लस माइनस एन, कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे तीसरे ऑप्शन में, सही है। ऐसे अभी अपन न्यूमेरिकल किए हैं, इसी तरीके से या तो एन का मान व्युत्पन्नों की संख्या जुड़ जाएगी या इसमें व्युत्पन्नों की संख्या घट जाएगी, सही है। तो ये हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन तीन। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर दस, 10 मीटर लंबा कोई अपने पास में डोरी है, उस डोरी में अपरगामी तरंगों का निर्माण होता है तथा डोरी में 5 लूप कंपन करते हैं, डोरी जो है 5 लूपों में कंपन करती है, तरंग धीरे धीरे की है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो आवृत्ति ज्ञात करनी है, सही है। ये अपने पास में कोई डोरी है, उस डोरी की लंबाई दे रखी है अपने को 10 मीटर, 10 मीटर की डोरी है, इस डोरी में 5 लूप बनते हैं, 5 अपरगामी तरंग, डोरी में अपरगामी तरंग का निर्माण होता है तथा डोरी में 5 लूप, डोरी 5 लूपों में कंपन करती है, इसमें अपने पास में ऐसे बन रहे हैं 5 लूप, 1, 2, 3, 4 और ये अपने पास में 5, ऐसे 5 लूप कंपन कर रहे हैं, ये अपरगामी तरंग है, ये 5 लूपों में कंपन कर रही है, सही है। इसके लिए अपने को आवृत्ति ज्ञात करनी है, सही है। एक लूप की दूरी अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है लैम्डा बाई टू, ये अपने पास में नोड, दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड, ये पांचवा नोड और ये छठा नोड, दो नोड के बीच की दूरी अपने पास में होती है लैम्डा बाई टू, ये दूरी लैम्डा बाई टू, ये दूरी लैम्डा बाई टू, ये भी लैम्डा बाई टू, ये भी लैम्डा बाई टू, ये भी लैम्डा बाई टू, सही है। ये दूरी भी अपने पास में लैम्डा बाई टू, इन दोनों नोडों के बीच की दूरी, ये दोनों नोड है निष्पन्द, इनके बीच की दूरी लैम्डा बाई टू, इन दोनों निष्पन्दों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई टू, इन दोनों निष्पन्दों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी लैम्डा बाई टू, सही है, होगी अपने पास में। तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5 लैम्डा बाई टू, पूरी दूरी कितनी होगी 5 लैम्डा बाई टू, बराबर किसके हैं, इसकी लंबाई के हैं, दूरी की लंबाई के बराबर है 10, सही है। यहाँ से अपने को तरंग धीरे ज्ञात करनी है, आवृत्ति ज्ञात करनी है, सही है। तो यहाँ से तरंग धीरे आ जाएगा अपने पास में, तरंग धीरे कितना होगा लैम्डा बराबर, ये दो इस तरफ आएगा 20, 20 में 4 का भाग लेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4, लैम्डा का मान कितना हो गया, लैम्डा का मान अपने पास में हो गया 4, सही है। 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में 20 में 5 का भाग लगाएंगे 4 देगा, लैम्डा का मान आ गया 4। अब इसमें ज्ञात करनी है आवृत्ति, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है v इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ से अपने पास में एन बराबर कितना होगा v अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से एन बराबर v का मान कितना है, v का मान 4, सही है। लैम्डा का मान कितना है अपने पास में, v का मान वेग अपने पास में है 20, ये रहा वेग अपने पास में 20 और लैम्डा अपने पास में है 4, तो एन बराबर कितना हो गया 4 × 20, 5 हर्ज, आवृत्ति होगी 5 हर्ज, कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, सही है। इसकी लंबाई 10 मीटर है, तो 10 किसके बराबर होगा, 5 लूप बन रहे हैं, तो 5 लूपों की दूरी कितनी होगी 5 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू बराबर 10 के हो गया, यहाँ से लैम्डा का मान ज्ञात हो गया, वी बराबर एन लैम्डा होता है, अपने को एन चाहिए, तो एन बराबर होगा वी बाई लैम्डा, तो यहाँ से अपने पास में 20/4 कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, सही है। दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें अपने को दिया गया है कि दो सितार के तार एक्स और वाई एक साथ बजाए जाने पर 4 हर्ट्ज आवृत्ति का विस्पंद उत्पन्न करते हैं, यदि वाई का तनाव थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो विस्पंद आवृत्ति 2 हर्ट्ज प्राप्त होती है, यदि एक्स की आवृत्ति 300 है तो वाई की आवृत्ति कितनी होगी, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स के अपने को आवृत्ति दी गई, ये अपने पास में है एक्स, इस एक्स वाले की आवृत्ति अपने पास में है 300, सही है। तो वाई वाले की आवृत्ति क्या होगी, दोनों एक साथ बजाए जा रहे हैं
दोनों के मध्य बजाने पर चार आवृत्ति का विस्पंदन उत्पन्न करते हैं, तो y अपने पास में क्या होगा, y अपने पास में जो होगा वो या तो इससे चार अधिक होगा यानी 304 होगा, या अपने पास में जो y है वो अपने पास में इससे चार कम होगा 296 होगा। सही है, इन दोनों में से कोई सा होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि y का तनाव थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, y का तनाव बढ़ा देंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति पहले 304 थी अब थोड़ी सी बढ़ गई। सही है, इसकी आवृत्ति 296 थी पहले, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ाने पे आवृत्ति बढ़ेगी। सही है, तो इन दोनों के में पहले का गैप, पहले गैप कितना था, चार का था, अब ये गैप चार से ज़्यादा हो गया, चार से क्या हो गया, गैप ज़्यादा हो गया। इन दोनों में गैप पहले चार का था, अब ये वाला गैप क्या हो गया, ये वाला गैप अपने पास में चार से कम हो गया, चार से कम हो गया। सही है, ये बोल रहा है तो विस्पंद आवृत्ति 2 हर्ज प्राप्त होती है, 2 हर्ज कम कौन सी में हो रही है, कम इसमें हो रही है नीचे वाले में, विस्पंद आवृत्ति 2 हर्ज प्राप्त होती है, तो y की आवृत्ति अपने पास में क्या होगी, y की आवृत्ति अपने पास में इस वाले में कम हो रहा है, इस वाले में वैल्यू बढ़ रहा है, चार से ज़्यादा होगा, नीचे वाले में वैल्यू चार से कम है, चार से कम है यानी कि 2 विस्पंद होगा, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 296, 296 अपने पास में जो y है उस y की आवृत्ति होगी 296, कौन से ऑप्शन में, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे अपन कर सकते हैं। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, धातु के एक तार की लंबाई और व्यास को दोगुना कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में कंपन की आवृत्ति n से बदलकर कितनी हो जाएगी, तनाव को समान रखा गया है, दोनों तार समान पदार्थ के हैं। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में, आवृत्ति n बराबर अपने पास में कितना होता है फॉर्मूला, सोनोमीटर में n अपॉन होता है 1/12 रूट का टी अपोन रो पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास में होता है n बराबर आवृत्ति बराबर, ये बोल रहा है धातु के तार की लंबाई और व्यास को दोगुना कर दिया जाए। देखना, धातु के तार की जो लंबाई है l को दोगुना कर दिया 2l, धातु के तार की जो लंबाई है उस लंबाई को दोगुना कर दिया, l से कितना कर दिया 2l कर दिया। सही है, लंबाई दोगुनी होगी और इसका व्यास को दोगुना कर दिया, व्यास दोगुना हो जाएगा तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, तो ये अपने पास में टी अपोन रो पाई, त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या होगी दोगुनी 2r का स्क्वायर। सही है, व्यास दोगुना होगा तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी, तनाव पहले वाला ही है और रो का मान भी क्या है, पहले वाला ही है। सही है, तो इसके लिए आवृत्ति अपने पास में मान लेते हैं n डैश हो गई, तो इसकी आवृत्ति जो n डैश है उसका मान अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखना अपने पास में n डैश बराबर 1/2l रूट का टी रो पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने पास में है n, इसके अलावा अपने पास में क्या बच गया, यहाँ से अपने पास में बच गया 1/2, ये बच गया अपने पास में 1/2 इसमें से, तो यहाँ से अपने पास में कितना बच गया, ये अपने पास में बच गया रूट का 1/2 का स्क्वायर 4, ये बच गया अपने पास। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देगा n डैश बराबर ये n गुणा ये 1/2 गुणा 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2, ये 1/2 बराबर, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा अपने पास में, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा n डैश बराबर ये n ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो n बट्टा 2 × 4 n/4, तो अपने पास में जो मूल आवृत्ति जो है वो n से बढ़कर कितनी हो जाएगी, n/4 हो जाएगी, n/4 कौन सी ऑप्शन में, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन अपने पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, मूल आवृत्ति n से बदलकर कितनी होगी, n से बदलकर होगी n/4, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। सही है, दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें अपने को दिया गया है कि दो तरंगे जिनकी तरंग लंबाई यानी कि वेवलेंथ अपने को दे रखी है 50 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 12 विस्पंद उत्पन्न करती है तो ध्वनि का वेग क्या होगा। सही है, बी का मान याद करना है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, विस्पंदों की संख्या n बराबर अपने पास में क्या होता है n1 - n2। सही है, इसमें अपने को दे रखा है प्रति सेकंड 12 विस्पंद उत्पन्न करती है, n का मान दे रखा है 12 और अपने पास में v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर अपने पास में होगा v अपॉन लैम्डा। सही है, तो इस वाले के लिए देखना अपने पास में n1 वाले के लिए v अपॉन लैम्डा 1 माइनस n2 वाले के लिए v अपॉन लैम्डा 2, ये होगा अपने पास, तो यहाँ से देखना 12 बराबर इसमें से v बाहर आएगा, अंदर बचेगा अपने पास में 1/λ1 माइनस का 1/λ2। सही है, थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं, तो ये 12 बराबर v अपने को दे रखा है
ध्वनि का वेग, वी अपने को ज्ञात करना है क्वेश्चन में, वी अपने को ज्ञात करना है, अपॉन वन अपॉन लेमडा वन, लेमडा वन का मान अपने पास में है 50, माइनस वन अपॉन लेमडा टू, ये अपने पास में है 51। इसको सोल्व करके वी का मान ज्ञात कर सकते हैं, सही है। थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं, ये अपने पास में 12 बराबर वी, यहाँ से अपने पास में एलसीएम कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 50 गुना 51, एलसीएम आएगा 50 से 50 कटेगा, इधर बचेगा 51, माइनस 51 से 51 कटेगा, ये बचेगा 50, तो यहाँ से कितना हो गया अपने पास में 12 बराबर वी, 51 माइनस 50 एक बटा 50 गुना 51, ये बच रहा है, यहाँ से अपने को वी चाहिए तो वी बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टा में है उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, ये 12 गुना 50 गुणा 51, तो वी बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में 12 से इसको गुणा करेंगे कितना बनेगा, ये 0 और 12 पंजे 60, 12 को 50 से गुणा करके 400 हो गया, 0 12 पंजे 60 गुणा 51, तो कितना हो जाएगा वी बराबर, ये अपने पास में 0 0 6 एकम 6 6 पंजू 30, ये अपने पास में वैल्यू किस में होगा सेंटीमीटर में, अपने को ऑप्शन में दे रखा है मीटर में, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर बराबर क्या होता है अपने पास में 10 की घात माइनस का 2 मीटर, एक सेंटीमीटर का मान कितना होता है 10 की घात माइनस का 2 मीटर, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर जी कर देंगे 10 की घात माइनस का 2 मीटर, 10 की घात 2 से ये 2 कटेगा तो वी बराबर कितना बचेगा 306 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वेग का मान 306 मीटर पर सेकेंड, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर एक में, तो ऑप्शन नंबर एक अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें अपने को दे रखा है कि एक समरूप तार की लंबाई L है, व्यास इसका D है, घनत्व रो है, तनाव इसमें T से खिंचा हुआ है, मूल आवृत्ति F, लंबाई L और व्यास D में सही संबंध ज्ञात करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में आवृत्ति N बराबर कितना होता है, ये होता है 1/2L रूट का अपने पास में टी अपोन रो पाई आर स्क्वायर, सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है आवृत्ति एन के जगह ऐप मान रखी है इसने, तो यहाँ ऐप मान लेते हैं एफ, तो यहाँ से अपने पास में देखना एफ बराबर 1/2L लंबाई मान रखी है इसने कैपिटल एल, इसको ले देते हैं कैपिटल एल, तनाव मान रखा है इसने कैपिटल टी, घनत्व मान रखा है इसने रो, ये पाई का पाई, सही है। और व्यास इसका डी है, व्यास डी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी डी बाई टू, व्यास अगर डी है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी डी बाई टू और इसका है स्क्वायर, ये बन गया रिलेशन, सही है। तो यहाँ से इसको क्या ले सकते हैं एफ बराबर 1/2L, ये अपने पास में रूट का टी अपोन पाई रो पाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई फोर, डी स्क्वायर बाई फोर का उल्टा हो जाएगा, फोर चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा डी स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास में देखना एफ समानुपाती किसके होगा, ये होगा 1/λ के समानुपाती, सही है। और अपने पास में 1/d², ये रूट में है तो क्या बचेगा, यहाँ d बचेगा, तो लेमडा के भी व्युत्क्रमानुपाती और d के भी व्युत्क्रमानुपाती, तो जो f आवृत्ति होगी वो l के और d के व्युत्क्रमानुपाती होगी, सही है। इसको रूट से बाहर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा d, f समानुपाती होगा 1/l और d के, कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा आगे और सोल्व करें तो एफ बराबर 1/2L डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा D, अंदर अपने पास में बचेगा 4, 4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा L अपोन D, ये T अपोन रो और पाई, ये बनेगा अपने पास में, सही है। 4 बाहर आएगा, 4 तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ये एल और डी, अंदर बचेगा अपने पास में टी रो और पाई, ये बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में एफ समानुपाती होगा 1/LD के, ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, सही है। दोनों को क्या करो, अपने कॉफ़ी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जांपल नंबर 15, इसमें अपने को दिया गया है दो तरंगे अपने पास में है Y1 और Y2 द्वारा विस्पंद उत्पन्न किए जाते हैं, प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या क्या होगी, सही है। विस्पंदों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। जो पहले वाला तरंग अपने पास में है Y1, ये अपने पास में है a साइन 2000 पाई और t, सही है। इस वाले से अपन n1 का मान याद कर सकते हैं, सही है। आवृत्ति कितनी होगी देखना अपने पास में, जो अपने पास में t के मल्टीपल में होता है वो अपने पास में होता है ओमेगा का मान,
ओमेगा बराबर कितना हुआ यहाँ से, ये अपने पास में है 2000 पाई, सही है। ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन टी, ये अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अपने पास में 2000 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, 1 अपॉन टी का मतलब होता है एन आवृत्ति, बराबर ये अपने पास में है 2000 पाई, पाई से पाई कटेगा, ये 2 से कटेगा तो एन बराबर अपने पास में रहेगा 1000, इसको मान लेते हैं एन वन। पहले वाले के लिए एन वन अपने पास में आ गया, जो वाई वन तरंग है उसके लिए अपने पास में आ गया एन वन का मान 1000, सही है। दूसरी वाली तरंग वाई टू, वाई टू अपने को क्या दे रखी है, ये अपने को दे रखी है ए साइन 2008 पाई और ये अपने पास में टी, ये तरंग है। यहाँ से अपने पास में ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा बराबर है अपने पास में 2008 पाई, ओमेगा का मान कितना है, यह है 2 पाई और ये आवृत्ति एन, इसको 2 मान लेते हैं, सही है। वाई टू वाले के लिए एन टू आवृत्ति बराबर अपने पास में है 2008 पाई, पाई से पाई कटेगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा, यहाँ से एन टू बराबर रहेगा 1004, 1000, सही है, ये अपने पास में आ गया एन टू का मान, सही है। आगे अपने को क्या पूछा है, प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या, विस्पंदों की संख्या एन बराबर अपने पास में क्या होगा, ये होगा अपने पास में एन टू माइनस का एन वन, तो एन बराबर ज़्यादा में से कम बड़ा घटा देंगे, ज़्यादा के अनुसार 1004 में से माइनस कर दो 1000, तो एन बराबर कितना हो गया, विस्पंदों की संख्या 1004 माइनस 1000 ये हो गया 4, विस्पंदों की संख्या होगी 4, कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16, निष्पंदों के दोनों ओर स्थित कणों के बीच कलांतर, निष्पंद होते हैं अपने पास में, निष्पंदों के दोनों ओर स्थित कणों के बीच कलांतर, जैसे अपने पास में ये कोई डोरी है, इस डोरी में अपने पास में ये कोई लू बन रहा है, तो ये जो अपने पास में बिंदु होंगे ये अपने पास में होंगे नोड या अपने पास में निष्पंद, सही है, ये अपने पास में होंगे निष्पंद, सही है। निष्पंद के दोनों ओर स्थित कणों के बीच कलांतर, कलांतर ये अपने पास में होता है पाई का, निष्पंद के दोनों ओर स्थित कणों के बीच कलांतर पाई होता है, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये अपने पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही है। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। निष्पंद के दोनों ओर स्थित कणों के बीच जो कलांतर होता है वो अपने पास में होता है फेज डिफरेंस पाई का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही है। दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है कि दो सवृत्र द्विभुजों की आवृत्तियाँ क्रमशः 450 और 454 है, इन दोनों सवृत्र द्विभुजों को एक साथ बजाने पर दो लगातार अधिकतम तीव्रताओं के बीच समयांतर ज्ञात करना है, तो समयांतर के लिए अपने पास में फॉर्मूला कितना होता है, समयांतराल, समयांतराल अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1 अपॉन निष्पंद आवृत्ति, सही है, 1 अपॉन विस्पंद आवृत्ति, 1 अपॉन आवृत्ति, बीट फ्रीक्वेंसी, ये अपने पास में विस्पंद आवृत्ति, सही है। तो अपने पास में बीट फ्रीक्वेंसी अपने पास में क्या होगी, समयांतर, समयांतराल बराबर योगा अपने पास में 1 अपॉन विस्पंद आवृत्ति होती है n, सही है। विस्पंद आवृत्ति कितनी होती है, n होती है, और n का मान कितना होता है अपने पास में, ये होता है अपने पास में n1 माइनस का n2, तो यहाँ से देखना अपने पास में 1 अपॉन n1 का मान है 454, ज़्यादा वाला कौन सा है 454 माइनस 450, कितना बचेगा, ये ऊपर एक नीचे 454 माइनस 450 4 बचेगा, समयांतर कितना होगा 1/4 सेकेंड, समयांतराल बराबर होगा अपने पास में 1/4 सेकेंड, सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है समयांतर के लिए 1 अपॉन विस्पंद आवृत्ति होता है n1 माइनस n2, n1 का मान है 454, n2 का मान है 450, 454 माइनस 450 कितना होगा 1/4, तो समयांतर कितना देगा 1/4, कौन से ऑप्शन में 1/4 सेकंड, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये फॉर्मूला याद होगा तो इसमें वैल्यू रखे, डायरेक्ट समयांतर याद कर देंगे, सही है। आगे अपने पास में है एग्जांपल नंबर 18, अपरगामी तरंग में एक निष्पंद और नज़दीकी प्रस्पंद के बीच की दूरी होगी, सही है।
एक निष्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होगी? ये अपने पास में एक अपरगामी तरंग है, इसमें अपने पास में एक निष्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी, ये अपने पास में ऐसे होता है, ये अपरगामी तरंग ऐसी चल रही है। ये अपने पास में होंगे नोड, सही है, नोड अपने पास में निष्पंद और प्रस्पंद, ये अपने पास में होंगे एंटी नोड। तो एक नोड और एक एंटी नोड के मध्य की दूरी ये अपने पास में कितनी होगी? निष्पंद और प्रस्पंद के मध्य की दूरी, ये अपने पास में निष्पंद और ये प्रस्पंद, ये दूरी अपने पास में कितनी होगी? पूरी लैम्डा बाई टू होती है, ये दूरी अपने पास में होगी लैम्डा बाई फोर। तो एक नोड और एंटी नोड के मध्य की दूरी होगी लैम्डा बाई फोर, कौन से ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में, सही है। अपरगामी तरंग है, उसमें निष्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी अपने पास में क्या होगी? वो अपने पास में होगी लैम्डा बाई फोर, सही है। इसके पहले वाला क्वेश्चन अपने पास में था, उसमें अपने पास में ऐसा था कलांतर पूछा था, सही है, दो निष्पंदों के बीच कलांतर, सही है, दो निष्पंदों के बीच कलांतर पूछा था। निष्पंद अपने पास में ये होता है, ये होता है निष्पंद, निष्पंद के दोनों ओर स्थित बिंदु ये होंगे अपने पास में प्रस्पंद, ये अपने पास में है निष्पंद, ये अपने पास में है प्रस्पंद, ये अपने पास में है प्रस्पंद। तो निष्पंद के दोनों ओर स्थित बिंदुओं के मध्य अपने पास में कलांतर, यानी कि दो प्रस्पंदों के बीच कलांतर, ये होता है अपने पास में पाई, सही है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन था अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 16, सही है, उसमें डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। वहाँ अपन ने इसको निष्पंद माना, वो निष्पंद नहीं है, ये अपने पास में नोड है, ये प्रस्पंद है, तो ये अपने पास में निष्पंद है। इस निष्पंद के दोनों ओर स्थित बिंदु अपने पास में ये है, यानी कि दो प्रस्पंद हो गए, दो प्रस्पंदों के बीच जो अपने पास में कलांतर होता है वो पाई का होता है, ये 180 डिग्री का होता है, सही है। तो अपने पास में उसमें ऑप्शन नंबर जो पाई वो सही था, यहाँ पे अपने पास में वो निष्पंद नहीं है, ये वाले बिंदु प्रस्पंद होते हैं और ये वाला बिंदु होता है निष्पंद, सही है। तो 16वें क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसके आंसर में, सही है। इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें अपने को दिया गया है तने हुए धागे की अपरगामी तरंग की समीकरण अपने पास में यह है, जहां अपने पास में x और y सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, तो दो आसन्न निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होगी, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, निष्पंदों के बीच की दूरी, निष्पंदों के बीच की दूरी ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में होती है लैम्डा बाई टू। दो निष्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है अपने पास में? लैम्डा बाई टू होती है। तो इसमें अपने को लैम्डा बाई टू का मान याद करना है। समीकरण से अपने पास में के का मान क्या है? जो अपने पास में एक्स के मल्टीपल में होगा वो अपने पास में क्यों होगा? इस समीकरण में एक्स के मल्टीपल में है पाई बाई थ्री, तो के बराबर अपने पास में कितना है? यह है पाई बाई थ्री। के का मान फिक्स है, टू पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू अपने पास में पाई बाई थ्री। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा का मान आ जाएगा, सही है। लैम्डा का मान कितना आएगा? पाई से पाई कटेगा, यहाँ से अपने पास में आएगा लैम्डा बराबर सिक्स। पाई से पाई कटेगा, लैम्डा इस तरह मल्टीप्लाई होगा, थ्री इस तरह मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा का मान आ जाएगा छः, सही है। निष्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू अपने को याद करना है। लैम्डा का मान है छः बटा दो, छः बटा दो कितना हो गया? ये अपने पास में हो गया तीन सेंटीमीटर। दो क्रमांकित निष्पंदों के बीच की दूरी अपने पास में कितनी होगी, या आसन्न निष्पंदों के बीच की दूरी होगी तीन सेंटीमीटर, कौन से ऑप्शन में? दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20, समीकरण अपने को दे रखा है वाई इक्वल टू ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी द्वारा दर्शाई जाने वाली तरंग पर एक दूसरी तरंग का अध्यारोपण करके एक अपरगामी तरंग बनाई जाती है, सही है। देखना अपने पास में, ये कोई अपने पास में तरंग है, इसका समीकरण दे रखा है अपने को वाई बराबर ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही है। इस पर एक और तरंग अध्यारोपित करा दी जाती है, विपरीत दिशा में आएगी, इसका अपने पास में वाई दे रखा है, ये वाई क्या होगा अपने पास में? ये विपरीत दिशा में आएगी, इसके ऊपर अध्यारोपित होगी, तो अपरगामी तरंग बनेगी, सही है। तो इस वाले के लिए समीकरण क्या होगा? ये अपने पास में होगा ए कोस, ये प्लस का माइनस का चिन्ह होगा इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए होगा प्लस का चिन्ह, के एक्स प्लस ओमेगा टी, सही है, ये होगा अपने पास में। एक अपरगामी तरंग इस प्रकार बनती है कि बिंदु एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर अपने पास में क्या होगा इसमें? एक्स बराबर जीरो पर अपने पास में इसमें जो कलांतर होगा वो कलांतर अपने पास में होगा फाई का, सही है। किसी दृढ़ सिरे से अपने दृढ़ सिरे के लिए अपने पास में एक्स बराबर जीरो पर कितना होगा, क्या होगा दृढ़ सिरे पर अपने पास में क्या होगा? दृढ़ सिरे पर अपने पास में जो कलांतर होगा पाई का होगा,
पाई का कलांतर होगा तो अपने पास में वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई बराबर अपने पास में हो जाएगा ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कलांतर पाई, ये बनेगा समीकरण। कलांतर पाई का होगा सही है एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, एक्स बराबर जीरो दे रखा है इसने, एक्स बराबर जीरो पर कलांतर का मान कितना होगा पाई होगा, तो पाई इसमें ऐड हो जाएगा सही है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई बराबर ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये पाई हटेगा तो यहाँ आ जाएगा चिन्ह माइनस का, तो अपने पास में समीकरण ये बनेगा सही है। दूसरी तरंग का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर होगा माइनस का ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, कौन से ऑप्शन में है ये, वाई बराबर माइनस का ए कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सही है। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो सही है, आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में अपने पास में इसके कुछ और आगे के क्वेश्चन हैं, पाइप जो अपने पढ़ा है, खुला आर्गन पाइप बंद आर्गन पाइप, उसकी भी अपने पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, खुले आर्गन पाइप पे और बंद आर्गन पाइप पे अपने पास में जो भी प्रॉब्लम्स बनती है उन सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।